अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलो अब कुछ खा लेते हैं। हाँ दादी चलिए। माही तुम भी चलो साथ में। आजा। नूडल्स हाथ से खा रही है? हाँ तो क्या हुआ, हमारे गांव में ना सब हाथ से खाते हैं। पर ये तुम्हारा गांव नहीं, ये शहर, यहाँ सब नूडल्स फोक से खाते हैं। माही दादी, दादी दादी क्या हुआ? टीका टीका ला, पानी ला, पानी मैं लेके आती हूँ। अजय कोई हाथ से खाता है? यहाँ कोई सर्कस चल रहा है क्या? हाँ चलो निकलो यहाँ से। हेलो, अरे आप उन्हें क्यों डांट रहे हैं? वो लोग तो बच्चे हैं ना। बच्चे हैं पर आपका मजाक उड़ा रहे थे बेवजह। अगर हम इन सब चीजों को बुरा मानेंगे ना तो हमेशा परेशान होते रहेंगे, ये सब तो होते रहता है। एक बात बताइए, आप क्या अकेले ऐसे बैठ के खाना खा रही हैं? आपके दोस्त या परिवार नहीं है कोई? सब है। हम माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं तो आपसे झूठ नहीं कहेंगे। वो क्या है ना कि हम अपने परिवार को लोगों के सामने बेइज्जती महसूस नहीं करा सकते। बेइज्जती मतलब? मतलब ये कि एक आटा चम्मच है ना, हमें खाना नहीं आता, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अकेले बैठकर अपने तरीके से खाया जाए। और वैसे भी ना हाथ से खाने के मजा ही कुछ और है। माफ कीजिएगा। अरे शुभ कैसा है भाई? यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ दर्शन के लिए आए थे। तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी फैमिली के साथ दर्शन के लिए आया।
अच्छा शुभ, तूने सुना उसके बारे में? वो थी ना वो काजल, तुझे पता है उसका क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं जाना यार, पुरानी बातें हैं, छोड़ो ना। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, जो बीत गया सो बीत, मुझे कुछ नहीं जानना उसके बारे में। सुन तो बहुत मजेदार बात है। अरे बोला ना नहीं बात करनी यार। आप यहाँ आप तो दादी के लिए पानी लेने आए थे ना? आप लोग ऐसे चुप क्यों हो गए? किस बारे में बात कर रहे थे? शुभ, ये कौन है? अब आओ शगुन। शगुन ये मेरे दोस्त है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, और ये तुम दोनों की भाभी है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। तो शगुन ये दादी को खांसी आ रही है, उन्हें पानी दे दो। हाँ। और गुलाब जामुन रख लेना मेरे लिए। आप लोग भी घर आइएगा। हाँ जी भाभी आएंगे। अच्छा शुभ, तूने बताया भाभी को काजल के बारे में? कि क्या काजल, काजल लगा रखा है यार, और क्यों बताऊंगा मैं? नहीं यार, तो वैसे अरे मैं जानता हूँ तुम दोनों। अच्छा चल दर्शन करते हैं। शुभ सर, क्या हुआ? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। शुभ सर, आप किसी काजल का नाम ले रहे थे, ये काजल कौन है? काजल? मुझे खुद नहीं पता शुभ। कोई बात नहीं, आप सो जाइए। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा। सो जाइए। बहुरिया, माता रानी बहुत खुश होगी क्योंकि तुमने दिल से सेवा की है ना? तो अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। भाभी आप लोग पूजा की तैयारी कर रही हैं? हाँ, नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो पहले से तैयारी कर ले तो बेहतर रहता है। सही कह रही है भाभी। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बोलो। आप उपवास का खाना बना रही हैं? लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। पता है बुआ जी, हमारी नानी कहती थी कि नवरात्रि का व्रत करने वालों के लिए खाना बनाने से माता रानी की बहुत कृपा होती है। अच्छा, और पता है इसलिए उन्होंने ना हमें तरह तरह के फलाहार बनाना भी सिखाया है। हमें सब कुछ बनाना आता है बेटा, कुछ बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है? तुम जाओ। बुआ जी आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे बेटा, इतने सालों बाद पहली बार तुम नवरात्रों में यहाँ आई हो, तुम्हें तो पता नहीं होगा ना क्या कहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, तो तुम रहने दो, मेहमानों की तरह रहो। हाँ, कुछ दिन में तो जाना ही है तुम्हें। बुआ जी, जरूरत के वक्त सहारा देने वाले लोगों का ना जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती होते हैं, और उनका ख्याल रखना चाहिए, इसलिए हमने सोचा आपकी मदद कर दें। कनिका, अगर माही बिटिया तुम्हें रसोई में मदद करना चाहती है तो उसे कर लेने दो ना, इससे तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें ही सहूलियत मिलेगी। बावरिया, माही कितनी घरेलू लड़की है ना? हाँ दादी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम देखना, इसे बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा, और देखना उस ससुराल में भी सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी, वरना आजकल की लड़कियां न कुछ सीखना जानती है, न कुछ आता है जाता है, बस मायके में आके पड़ी रहती है। भाभी आप कहना क्या चाहती? हैं
मैं अपने ससुराल वालों को संभाल नहीं पाई। नव्या, हमारा कहने का ये मतलब नहीं था बेटा। हाँ नव्या, दादी का कहने का वो मतलब नहीं था। दादी तो बस इतना कहना चाहती थी कि अगर माही हमारे साथ घरों के काम में हाथ बटाएगी तो उसे पराया महसूस नहीं होगा। रहने दीजिए ना माँ, अगर इसे काम करना तो करने दीजिए। वैसे भी ये तो गांव से आई है ना, काम करने की आदत है इसे। और इतने बड़े घर में, इतने बड़े शहर में करेगी भी क्या, घर के काम ही कर ले। अरे बेटा, तू अपना दिमाग क्यों गर्म कर रही है? तूने सही कहा, ये गांव वाले लोग नहीं समझेंगे बेटा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।